क्या इन्होंने सही में पाकिस्तान स्टार्टअप इकोसिस्टम का मर्डर कर दिया? जानते हैं इस वीडियो में। वैसे ये बताओ कि अगर फ्लिपकार्ट इतना सक्सेसफुल नहीं होता, क्या इंडिया दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन पाता? मेरे हिसाब से तो यार काफी ज्यादा टाइम लग जाता, क्योंकि फ्लिपकार्ट में जिन भी इन्वेस्टर्स ने पैसा डाला है, चाहे वो एक्सेल, टाइगर ग्लोबल, सॉफ्टबैंक या प्रोसेस वेंचर्स हो, सबने अंधा रिटर्न कमाया। जब वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीदा, 5x 10x रिटर्न्स हुए, तो उन्होंने ये सारे पैसे फिर इंडियन स्टार्टअप में इन्वेस्ट किए। और जिन भी इन्वेस्टर्स ने फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट नहीं किया था, उन्होंने बहुत रिग्रेट किया, बट समझ गए कि यार इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम अब नेक्स्ट बिग थिंग है। अब इसके अलावा फ्लिपकार्ट के जो एक्स एम्प्लॉयज थे, जो कि फ्लिपकार्ट माफिया के नाम से भी जाने आते हैं, उन्होंने भी एक से बढ़कर एक जबरदस्त स्टार्टअप शुरू किए, जैसे उड़ान, रैपिडो, रनर, कल्फिट, स्लाइस, एक्सोटेल इत्यादि। अब इन सारी चीज़ों की वजह से इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम बिल्कुल अलग ही लेवल पे ग्रो होने लगा। अब हम थोड़ी बहुत पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। वहाँ भी स्टार्टअप धीरे धीरे आ रहे थे, बट उनको भी ना एक फ्लिपकार्ट जैसा स्टार्टअप चाहिए था, जिससे कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को उन पे भरोसा हो। अब यहीं पे पिक्चर में आते हैं उस्मान गिल। तो उस्मान गिल ने यूएस में पढ़ाई करी, फिर डोरडैश, जो कि यूएस के एक फूड एंड ग्रॉसरी डिलीवरी स्टार्टअप है, वहाँ काम किया, इंसीएड में एमबीए करने के लिए भी ज्वाइन किया। बट उसके बाद मेरे हिसाब से उन्होंने स्वदेश देख लिया होगा, और फिर इनको लगा होगा कि यार पाकिस्तान के लिए भी कुछ करते हैं, क्योंकि उसके बाद उन्होंने एमबीए से ड्रॉप आउट करके पाकिस्तान वापस आ गए। अब लाहौर में वो एक दिन ट्रैवल कर रहे थे, और उन्होंने देखा कि यार यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक जैम होता है, ट्रैवल करने के लिए सिर्फ कैब्स ही एक ऑप्शन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा है, तो इससे लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो यहाँ पे उनके दिमाग में आइडिया चमका, वो गए जो लाहौर में जो बस चलाते हैं उनके ओनर के पास। उन्होंने बोला कि यार आप जो बसेस जो फिक्स रूट में चलाते हो, वहाँ पे लाइव ट्रैकिंग शुरू कर दो, और उन एसी बसेस के सीट्स हम अपने ऐप के थ्रू बेचेंगे। अब इससे आपके बसेस भी फुल चलेगी, कस्टमर्स को भी फायदा होगा, क्योंकि उनको कंफर्म सीट मिलेगा, और इसमें रास्ते में भी ट्रैफिक जाम कम लगेगा। तो इस आइडिया में फाइनली उन्होंने 2019 में काम करना शुरू किया। खुद के $50,000 यानी 30 से 40 लाख रुपए इन्वेस्ट भी किए, पर आइडिया इतना बढ़िया था कि काफ़ी जल्दी ग्रो करने लगा। लाहौर में 5 महीने में इनके 50,000 कस्टमर्स हो गए, $2 मिलियन की इन्होंने सीड फंडिंग भी रेज कर ली। अब इनका स्टार्टअप एयरलिफ्ट बढ़िया चल रहा था, धीरे धीरे स्टार्टअप रेवोल्यूशन भी आ रहा था, फिर कोविड ने बोला रुको जरा, सबर करो, हमें भी मौका दो, और ऐसा पैंडेमिक आया कि यार सबकी लंका लगा दी, सब कुछ बंद हो गया। तो उस्मान भाई को समझ आ गया कि यार ये आइडिया तो अब चलने नहीं वाला, तो उन्होंने डिसाइड किया कि यार अब हम पिवट करते हैं। और उस टाइम में सब घर पे बंद थे, सबको चाहिए था ग्रॉसरी, इन्होंने भी भैया ग्रॉसरी डिलीवरी करना शुरू कर दिया। उस वक्त ये क्विक कॉमर्स का सेगमेंट भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा था, जो कि बेसिकली एक टाइप का ई कॉमर्स है, जिसमें जो ई कॉमर्स के जो सारे सामान एक दिन में डिलीवर होते हैं, ये आपके घर के आसपास डार्क स्टोर्स बना देके 30 मिनट में अपने ड्राइवर्स को भगा के आपके वहाँ डिलीवर कर देते हैं। अब पैंडेमिक में ये जो उन्होंने पिवट किया था ग्रॉसरी डिलीवरी में, जिसका नाम उन्होंने एयरलिफ्ट एक्सप्रेस रखा था, वो भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने लगा। उन्होंने उसके बाद 2021 में अपने सीरीज बी राउंड में $85 मिलियन की फंडिंग रेज करी, $275 मिलियन के वैल्यूएशन पे। ये पाकिस्तान स्टार्टअप इकोसिस्टम में सबसे बड़ा फंडिंग राउंड था, और एयरलिफ्ट एक्सप्रेस पाकिस्तान का मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप बन गया था। तो हर तरफ से बढ़िया चल रहा था, बताया जा रहा था कि 2022 में पाकिस्तान का पहला यूनिकॉर्न बनेगा एयरलिफ्ट, और बीच में ये भी खबर आई कि शायद वो $500 मिलियन के वैल्यूएशन पर पहले फंडिंग रेज करेंगे। पर फिर अचानक उन्होंने एक दो महीने पहले अपने कई सारे एम्प्लॉयज़ को फायर किया, और कई सारे जो पहले सिटीज़ में ऑपरेट करते थे वहाँ पर भी उन्होंने अपने ऑपरेशन बंद कर दिए। अब लोगों को लगा कि यार शायद थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही होगी, बाकी खबर ये भी आती कि यार ये फंडिंग रेस करने वाले हैं, शायद उसके बाद स्केल अप करेंगे। बट इस महीने सबको झटका लगा जब अचानक उस्मान भाई ने बोला कि यार हम एयरलिफ्ट को बंद कर रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि यार एयरलिफ्ट, जो कि पहले भी एक बार पिवट हो चुका था, अब वो फिर से पिवट नहीं कर पाए, और क्यों टोटल में $100 मिलियन की फंडिंग रेस करने के बावजूद वो अचानक से ऐसे डूब गए? इसके 3 मेन कारण है, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला रीजन है कि उनको फंडिंग नहीं मिली। अब यार एक्चुअल में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एयरलिफ्ट और दूसरे स्टार्टअप्स की नहीं, बल्कि हम सब इंसानों की, यार पैसे ही नहीं बचते एंड में। और वही एयरलिफ्ट के साथ हुआ, शुरुआत में वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे थे, फिर इस साल अचानक रिसेशन आया, यूक्रेन रशिया का वॉर हुआ, यूएस और दूसरे जगहों में मार्केट्स भी काफ़ी क्रैश हुए, तो इन्वेस्टर्स ने स्टार्टअप्स को बोला कि भैया इतनी फंडिंग दे दी है, अब थोड़ा बहुत प्रॉफिट से भी स्टार्टअप चला लो। अब दिक्कत ये थी कि यार एयरलिफ्ट अपने आप को स्केल करने के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा पैसे बर्न कर रहा था हर महीने। इनफैक्ट उन्होंने अब प्रॉफिटेबल होने की कोशिश भी करी, 11 सिटीज़ में पहले ऑपरेट करते थे, धीरे धीरे कम करके सिर्फ 3 सिटीज़ में ऑपरेट किया, फिर उनके करीब 349 एम्प्लॉयज़ थे, काफ़ी एम्प्लॉयज़ को फायर किया, एंड में 277 एम्प्लॉयज़ बचे, अपने डिलीवरी चार्जेस को भी ऑलमोस्ट 5 times किया, मार्जिनस को भी 3 times बढ़ाया, और इवेंचुअली पर ऑर्डर के बेसिस पर वो प्रॉफिटेबल होने लगे थे। पर कंपनी वाइज प्रॉफिट होने में उनको 6 से 9 महीने लगते, और इतने पैसे थे नहीं उनके पास कि यार वो सस्टेन कर पाए। दूसरी तरफ कुछ इन्वेस्टर्स ने बोला था हम फंड करेंगे, बट ये जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स थे, ये मेन इन्वेस्टर्स का वेट कर रहे थे कि यार वो कब पैसे देंगे।
और ये जो मेन इन्वेस्टर थे, क्योंकि मार्केट काफ़ी डाउन हुए थे, उन्होंने बोला कि यार करीब 2 महीने लगेंगे आपको पैसे भेजने के लिए। बट उस्मान भाई ने बोला कि भैया इतने पैसे तो हमारे बैंक पे है नहीं, तो अनफॉर्चुनेटली हमको अपने ऑपरेशन बंद करने पड़ेंगे। और यही फिर उन्होंने जुलाई 13 का राउंड किया। दूसरा रीज़न है कि उनको प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं मिला। अब क्योंकि एयरलिफ्ट ने अपनी ग्रॉसरी डिलीवरी तब शुरू किया जब पैंडमिक हुआ था और लोग घर पे थे, तो शुरुआत में उनकी काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ हुई और शुरुआत में उनके पास इन्वेस्टर्स का पैसा भी था, तो उन्होंने काफ़ी सारे डिस्काउंट्स भी दिए, तो इसीलिए काफ़ी यूज़र लव भी मिला। अब इसमें उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई, बट एक्चुअल में ये फेक प्रोडक्ट मार्केट फिट था। जब पैंडमिक धीरे धीरे कम होने लगा, लोग बाहर आने लगे, तब एयरलिफ्ट को बहुत ही ऐसे कम कस्टमर्स मिले जो कि एक्चुअल में डिलीवरी चार्जेस देने को तैयार थे 30 मिनट के डिलीवरी के लिए। आप खुद सोचना, आपको कितनी बार इतनी अर्जेंटली सामान चाहिए होगा, आप तो बोलोगे कि भैया 30 मिनट में क्या, आपको आराम से 4 घंटे में बाइक में क्या, आराम से साइकिल में डिलीवर कर, बट हमसे डिलीवरी चार्ज मत ले। मतलब 100-200 के ऑर्डर के लिए आप 40-50 रुपये डिलीवरी चार्ज थोड़ी लोगे। ऊपर से पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो डिलीवरी चार्जेस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, और पाकिस्तान का GDP पर कैपिटा तो इंडिया का ऑलमोस्ट आधा है। तो पैंडेमिक के बाद लोग अपने घर के नीचे किराना दुकान से ही ज़्यादा सामान लेने लगे, तो इनको लार्ज स्केल में पर ऑर्डर में प्रॉफिटेबल बनने में काफ़ी दिक्कतें हुई। तीसरा रीज़न है कि यार इन्होंने सही टाइम में इंटरनेशनली एक्सपैंड नहीं किया। अब सवाल ये आता है कि जब उस्मान भाई को पता है कि यार पाकिस्तान का मार्केट इतना बड़ा नहीं है, तो उन्होंने बाहर क्यों नहीं एक्सपैंड किया? अब यहाँ पे एक्चुअल में यार उन्होंने साउथ अफ्रीका में एक्सपैंड किया, बट उन्होंने काफ़ी लेट में एक्सपैंड किया। और बाकी जब आप इंटरनेशनली एक्सपैंड करते हो, आपको काफ़ी पैसे और रिसोर्सेज खर्च करने पड़ते हैं। वहाँ पे आप टीम बनाओगे, काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करोगे, तो इसके लिए आपको अच्छी खासी फंडिंग उठानी भी पड़ती है। बट अनफॉर्चुनेटली वो फंडिंग फिर से उठा नहीं पाए, तो इसीलिए उनको फिर अपने इंटरनेशनल ऑपरेशंस बंद करने पड़े। अब यार एयरलिफ्ट फेल हो गया, इससे पाकिस्तान स्टार्टअप इकोसिस्टम को तो यार काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ही, क्योंकि वापस इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आने में बहुत टाइम लगेगा। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एयरलिफ्ट ही फेल हो रहा है, कई सारे स्टार्टअप्स और कंपनीज अपने ऑपरेशंस को कम कर रहे हैं, शटडाउन हो रहे हैं, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में ऐसा हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि यार एयरलिफ्ट फेल हो गया तो यार सिर्फ नुकसान ही नुकसान हुआ है। एयरलिफ्ट में जो एम्प्लॉयज थे उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, और एयरलिफ्ट माफिया भी अब धीरे धीरे बन रहा है। कई सारे स्टार्टअप जैसे कि दस्तगीर, इजी फ्रेश, पार्सल लॉजिस्टिक्स, ये सब एक्स एयरलिफ्ट के एम्प्लॉयज नहीं बनाए हैं। और मेन चीज़ ये है कि यार अभी पाकिस्तान में फंडिंग तो काफ़ी कम हो जाएगी, बट जो इस टाइम में एक सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल बिजनेस बना पाएगा, आगे जाके वो काफ़ी तेज़ी से स्केल कर पाएंगे। आपको क्या लगता है कि यार पाकिस्तान में पहला यूनिकॉर्न कौन से साल में आएगा, कमेंट्स में बताना। और उस्मान भाई ने जो स्टार्टअप की चिंगारी पाकिस्तान में शुरू करी है, आगे जाके वो और ग्रो ही होगा, क्या पता अगला यूनिकॉर्न उस्मान भाई बना दे। तो ये थी एयरलिफ्ट क्यों फेल हुआ उसके ऊपर केस स्टडी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी, चैनल को पक्का सब्सक्राइब करके घंटा भी दबा देना। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप पर बातें करेंगे, तो जल्द ही मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।